हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट रेंज सिमुलेटर यानी कि MSTS डाउनलोड कैसे करें और इसे इंस्टॉल कैसे करें। वैसे तो मैं अपने चैनल पे रेल वीडियोस डालता ही रहता हूँ, पर कुछ हफ्तों पहले मैंने रेल गेमिंग और MSTS के वीडियोस डालना शुरू किया था, तो काफ़ी लोग मेरे को पूछने लगे कि यार इसे डाउनलोड कैसे करें, इंस्टॉल कैसे करें, इस पर एक वीडियो बनाओ। तो आज ये वीडियो मैंने बनाई है, आप इसको ध्यान से देखिए, पूरा एंड तक देखिए, कोई पार्ट स्किप मत करिए, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा और इस सब एरर्स आएंगे और आप बोलेंगे कि यार ये इंस्टॉल नहीं हो रहा, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो आप इसे ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए। तो देखिए दोस्तों, आपको कोई साइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सब सेटअप फाइल्स अपने गूगल ड्राइव पर सेव कर लिया है। आपको बस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक कॉपी पेस्ट करना है आपके ब्राउज़र में, और दो सेटअप फाइल्स पार्ट 2 आप गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वो काफ़ी जल्दी हो जाएगा। ये देखिए, ड्राइव में ओपन किया तो दो फाइल्स है, MSTS Energy 1 और 2। ये दोनों फाइल आप डाउनलोड कर लीजिए, 500 MB का दोनों फाइल है, ऐसे डाउनलोड कर लीजिए। ये मैंने वो फर्स्ट फाइल डाउनलोड को लगाया, अब कहीं और क्लिक कीजिए और सेकंड फाइल डाउनलोड कीजिए। ये दोनों डाउनलोड सेटअप फाइल से डॉट एनर्जी यानी कि ISO टाइप फाइल से आपको इसके लिए एक सॉफ्टवेयर लगेगा डेमन टूल्स करके, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और उसके डाउनलोड प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ, यही वीडियो में बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये डेमन टूल्स ये सॉफ्टवेयर है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये भी गूगल ड्राइव पर अपलोड किया है मैंने, ताकि आप जल्दी से डाउनलोड कर सके। ये एक इंस्टॉलर है, इसमें आपको ये फ्री लाइसेंस पर क्लिक करना पड़ेगा और इसके लिए नेट कनेक्शन चालू रखो, क्योंकि ये डाउनलोड सेटअप डाउनलोड करता है खुद से। तो देखिए दोस्तों, ये ऑलमोस्ट डाउनलोड हो चुका है, मैंने डाउनलोडिंग पार्ट स्किप कर दिया था। ये इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे फ्री लाइसेंस और एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, यहाँ पर भी अब इंस्टॉल पे क्लिक करिए, अब वो धीरे धीरे इंस्टॉल होता रहेगा। थोड़ा टाइम लेता है ये, वो तो नॉर्मल टाइमिंग में हो जाएगा। इसके बाद हम MSTS का जो मेन गेम है उसका इंस्टॉलेशन प्रोसीजर देखेंगे, वो भी एक सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस आप स्किप मत कीजिए वीडियो, नहीं तो कुछ समझेगा नहीं क्या हो रहा है। तो देखिए, ये इंस्टॉल हो चुका है। अब दोस्तों, MSTS पे जाने से पहले हम एक और एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं, जिसका नाम है ओपन रेल्स। ओपन रेल्स बेसिकली एक गेम का इंजन है जो रन करता है ओपन MSTS को। इसमें सब ऑप्शंस सिंपल वे में दिए रहते हैं, सब इजी रहता है, वो हमें हेल्प करता है कि अच्छे से गेम खेलने में, और उसका मतलब बेटर परफॉर्मेंस भी रहता है थोड़ा एज़ कम्पेयर टू MSTS। ये देखिए, ये डाउनलोड और इंस्टॉल कीजिए, ये पढ़ना है तो पढ़ लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सब रिक्वायरमेंट्स हैं ऑल दिए रहते हैं। आप ऊपर इंस्टॉल डाउनलोड द इंस्टॉलर पे क्लिक कीजिए और ये इंस्टॉलर डाउनलोड कर लीजिए, 44 MB का है जी। इसका इंस्टॉलेशन डाउनलोड कर चुका हूँ मैं, और इसका ये सेटअप फाइल है, इस पर उसको ओपन कीजिए और रन कीजिए। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, आप इसे कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने ये लोकल डिस्क में, CDE कोई भी, जहाँ पर आप गेम इंस्टॉल करोगे ना मोस्टली वहाँ पे ही कर दो, अच्छा रहेगा। ये देखिए, जैसे कि ये मेरा मैं अभी इसको ई डिस्क में करूँगा इंस्टॉल, तो नेक्स्ट फिर बाद में और एक नेक्स्ट करेंगे। आप डेस्कटॉप फोल्डर बना लीजिए, अच्छा रहता है। नेक्स्ट और ये इंस्टॉल, मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। आप इसी तरह इंस्टॉल कीजिए, अब MSTS। तो चलिए दोस्तों, आप देख लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट रेंज सिमुलेटर कैसे डाउनलोड करें। ये एक्चुअली मेरा PC नहीं है अभी, क्योंकि मेरे PC में मैं इंस्टॉल करने वाला था माइक्रोसॉफ्ट रेंज सिमुलेटर, पर ऑलरेडी इंस्टॉल जो मेरे पास है उसके वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रहा था इंस्टॉलेशन में। तो अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे दोस्त के PC पे मैं आपको ये इंस्टॉलेशन बता रहा हूँ, उसने कभी इंस्टॉल नहीं किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले डीमन टूल्स ओपन कीजिए, ये आपको पहली बार, ये फर्स्ट टाइम ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि डीमन टूल्स फर्स्ट टाइम ओपन करने के लिए स्टार्टिंग में नेट कनेक्शन लगेगा थोड़ा, तो नेट ऑन रखिए और ये ट्यूटोरियल पार्ट सब स्किप कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको बताने
फर्स्ट टाइम बताने ही वाला हो तो आप ध्यान से देखिए ये वाला। स्किप करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा क्विक माउंट करके, तो क्विक माउंट पे क्लिक कीजिए और जो फर्स्ट पार्ट थे CD1 MSTS CD1 जो पार्ट टू डाउनलोड किए थे ना दो पार्ट, उसमें से फर्स्ट पार्ट सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे देखो MSTS में पार्ट 1 ये सिलेक्ट कीजिए और ये ओपन कीजिए। ये माउंट हो गया अब ये इमेज। अब जबकि ये माउंट हो गया इमेज, इस पर आप डबल क्लिक करके उसको ओपन कर दीजिए, वो इंस्टॉलर ओपन कर देगा। ये देखिए इंस्टॉलर ओपन हो गया। ये इंस्टॉल पे आप क्लिक कीजिए और ध्यान से मेरे स्टेप फॉलो कीजिए तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये दो पार्ट से इंस्टॉलेशन के CD1 CD2 उसमें बहुत जनों को मतलब प्रॉब्लम होता है कि इसके आगे क्या करें कुछ समझता नहीं है। तो इसे ध्यान से देखिए, ये इंस्टॉल पे क्लिक किया, अब ये नीचे दो एरो दिख रहे हैं तो नेक्स्ट एरो पे क्लिक कीजिए, दो ग्रीन वाला दिख रहा है उस पर क्लिक करने के बाद आप आगे जाइए। अब ये इंस्टॉलेशन प्रोसीजर आगे बढ़ेगा, ये आप बस अभी मेरे स्टेप्स फॉलो कीजिए, मैं जो कर रहा हूँ वही स्टेप आप कीजिए। दोस्तों देखिए अब ये कस्टम इंस्टॉलेशन का पार्ट है, आप कस्टम इंस्टॉल कीजिए जैसे आपको चाहिए, कोई भी ड्राइव में आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो, बट मोस्टली आप डी या फिर ई प्रिफर करो क्योंकि सी में आप विंडोज़ के फाइल्स रहते हैं सब, तो मोस्टली डी और सी, मैं तो ई प्रिफर कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ मोस्टली गेम्स वहाँ पर रखता हूँ मैं, तो ई में आप इंस्टॉल कीजिए, ओके कीजिए। ये सब कैलकुलेट करेगा डिस्क स्पेस एंड ऑल, तो ये फोल्डर नहीं होगा तो आप ये क्रिएट कीजिए यस, ये यस प्रेस करके, तो आप इंस्टॉलेशन आगे नेक्स्ट स्टेप में जाइए। ये नेक्स्ट स्टेप में आए तो अब ये इंस्टॉलेशन चालू हो शुरू हो चुका है, 0% अभी हो रहा है, तो अब ये 1% ऐसे कर करके 27% तक आके ये इंस्टॉलेशन शॉप हो जाए। इसके आगे किसी को समझते नहीं है कि क्या करे और कैसे आगे जाए, कि ये इंस्टॉलर हो क्यों नहीं रहा, तो फिर काफ़ी लोग इसे बंद भी कर देते हैं या फिर कुछ समझते नहीं तो छोड़ ही देते हैं बात की नहीं करना इंस्टॉल, जाने को दो तीन बार ट्राई करने के बाद। तो आइए दोस्तों आप देख ही लेते हैं कि 27% पे आके ये स्टॉप क्यों होता है और इसके आगे क्या करना चाहिए कि ये इंस्टॉलेशन कंटिन्यू होता जाए 100% तक। तो दोस्तों देखिए हम ऑलमोस्ट आ गए हैं 27% के इंस्टॉलेशन तक। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि MSTS का जो CD1 है उसमें सिर्फ 27% पार्ट इंस्टॉलेशन है, बाकी का है वो CD2 में है, वो CD2 इसमें इंस्टॉल अभी इसके बीच में तो हम डाल नहीं सकते, तो इसलिए वो बोलता है कि यहाँ पे देखो ऐसा मैसेज आता है कि CD2 डाल दीजिए, CD1 का कंप्लीट हो चुका है। तो आप क्या करें, नीचे जो डीमन टूल्स चालू है ना एप्लीकेशन उसमें जाइए, दोस्तों डीमन टूल्स में आने के बाद आपका जो CD1 है उसे इजेक्ट करना पड़ेगा। ये जो CD1 का माउंट है जिस पे ये येलो आइकॉन दिख रहा है ना उस पर क्लिक कीजिए तो वो इजेक्ट हो जाएगा CD। आपको अभी CD2 डालना पड़ेगा उसी माउंट में, तो उसी पे क्लिक करिए और MSTS का CD2 सिलेक्ट कीजिए और ओपन कीजिए उसे, तो वो इमेज CD2 का माउंट हो जाएगा वही जिसमें आपने 1 डाला था। तो आप ये डीमन टूल सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज कर दीजिए और वापस अपने इंस्टॉलेशन पे जाइए। तो आप CD2 डाल दिया है तो ओके क्लिक कीजिए, तो यहाँ से वो इंस्टॉलेशन 27-28 करके ऐसा 100 तक जाता है। यही स्टेप है जो जिनको कुछ सभी लोगों को ऑलमोस्ट मतलब समझता नहीं है कि इसके बाद क्या करें, तो ये वही मेन स्टेप है, अब आपका इंस्टॉलेशन पूरा 100 तक हो जाएगा। चलिए हम ये स्पीड अप कर देते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस, ये ऐसे ही चलते रहेगा पूरा 100 तक, तो मैं आपको स्किप कर देता हूँ पूरा 100 पार तक आ जाते हैं। तो दोस्तों अपना इंस्टॉलेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है 100 तक, तो अब ये सब आइकॉन्स क्रिएट कर रहा है ताकि आप डेस्कटॉप से गेम डायरेक्टली ऑन कर सके, पर आपको डेस्कटॉप से गेम ऑन करना ही नहीं है क्योंकि हम ओपन रेल्स में गेम खेलने वाले हैं। तो आप ये अब इंस्टॉलेशन बंद कर दिए, इसका काम नहीं है कुछ अभी। तो अब तो दोस्तों अब ओपन रेस का मैंने इंस्टॉलेशन आपको बता दिया था पहले ही, तो अब वो नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आप वीडियो के बीच में देख सकते हैं। ये देखिए ये यहाँ पे गेम इंस्टॉल हो गया अपना एयर ट्रेन सिमुलेटर, इसमें ये सब फाइल्स आ गए, ये गेम के फाइल्स है, इसमें सब आपको रूट्स इंस्टॉल कैसे करते हैं वो अगले वीडियो में बताऊँगा, इंडियन रूट जब इंस्टॉल करेंगे हम। ये ओपन रेल्स भी इंस्टॉल हो चुका है, इसके ये फोल्डर से ओपन रेल्स के,
तो आप देखो डेस्कटॉप से ओपन रेस डायरेक्टली स्टार्ट कीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे मतलब कैसे प्ले करते हैं ओपन रेस में से। तो अब ओपन रेस मैंने स्टार्ट किया है, ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ तो थोड़ा टाइम ले रहा है। देखिए ये ओपन रेस का विंडो है, इसमें आप ये पाथ पूछेगा आपको कि ट्रेन सिमुलेटर कहाँ पे इंस्टॉल किया, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है इसने। पाथ देखिए अपन ई में इंस्टॉल किए थे प्रोग्राम 586 माइक्रोसॉफ्ट ट्रेन सिमुलेटर, यहाँ पे आ गया है। तो इसको आप ओके प्रेस कीजिए। ये कंटेंट स्टेप्स के अंदर ये पाथ पूछता है आपको कि कहाँ पे है आपका गेम, तो हमने इसको पाथ दे दिया। तो अब ये गेम लोड कर रहा है पूरा। देखिए यहाँ पे ऊपर रूट्स का ऑप्शन है, रूट्स के ऑप्शन में आपको पहले ये फॉरेन रूट्स है, ये प्री इंस्टॉल रूट्स रहते हैं, या आप कोई भी रूट्स ले, ये चलिए ये कोई रूट ले लिया टोक्यो का। और इसके आप एक्टिविटी रहते हैं, एक्टिविटी भी प्ले कर सकते हैं, लोकोमोटिव सिलेक्ट करो, फिर यहाँ पे कंसिस्ट का टैब रहता है। कंसिस्ट यानी कि कोचेज और लोकोमोटिव कौन सा लेना है आपको खेलने के लिए, वो ये स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पे आप स्टार्ट करोगे गेम, अपनी ट्रेन कहाँ से स्टार्ट करनी है, कौन से स्टेशन से स्टार्ट करनी है वो, और ये एंडिंग पॉइंट जहाँ तक आपको जाना है, ये टाइम भी सब आप सेट करके यहाँ पे नीचे स्टार्ट ऑप्शन दिख रहा है वो स्टार्ट पे क्लिक कीजिए। स्टार्ट पे क्लिक किया तो ये अपना गेम लोड करके तो प्ले कर देगा। अब ये गेम लोड हो रहा है, ये विंडो आप इसको एक्सपांड भी कर सकते हैं अल्ट प्लस एंटर दबा के, कैसे भी आप ऐसे भी खेल सकते हैं या फिर फुल स्क्रीन, मोस्टली तो फुल स्क्रीन ही प्रिफर करते हैं सब। तो आप फुल स्क्रीन करना हो तो अल्ट प्लस एंटर दबाइए। ये अब ये गेम लोडिंग हो रहा है, ये रूट मैप का ये पार्ट है, ये रूट का मैप बता रहा है कैसे कैसे। ये देखिए गेम शुरू हो गया है। तो गाइज ये था इंस्टॉलेशन का वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपका गेम इंस्टॉल हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो इंस्टॉल में तो आप कमेंट में डाल दीजिए, वो प्रॉब्लम मेरे को बता दीजिए लिख के कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मैं सॉल्व करना ट्राई करूँगा। पर मोस्टली तो मेरे को लगता है कि आपका गेम अब तक इंस्टॉल हो जाना चाहिए ये वीडियो देख के, कि ये बहुत मैंने सिंपल प्रोसीजर से बता दिया है आपको। अब अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि इंडियन रूट्स और इंडियन ट्रेन्स कैसे इंस्टॉल करें, वो वीडियो मैं 2-3 दिन में बनाना ट्राई करूँगा, देखते हैं जैसे टाइम मिले वैसे जल्दी बना दूँ। तब तक आप ये फॉरेन रूट्स ही खेल लीजिए। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कर दो यार वीडियो को, शेयर कर दो, जो भी आपको पूछे कि यार इंस्टॉल कैसे करें सीधा उसको ये वीडियो की लिंक दे देना। चलिए बाय।